गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिफ्थ लेसन क्वालिटी गुण, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन हमने कल प्रारंभ किया था, उसी को हम आज इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा इस कहानी के बारे में, इस वर्णन के बारे में मैं एक बार और आपको थोड़ा परिचय दे देता हूँ। इसमें पूछा है कि क्या जूता बनाने वाला जो होता है, जिसको कि आमतौर पे मोची कहा जाता है, मोची को कलाकार कहा जा सकता है? तो इसका उत्तर हाँ है, यदि वह किसी अन्य कलाकार की तरह अपने व्यवसाय के प्रति दक्ष होता है, अपने व्यवसाय में दक्ष होता है और अपने व्यवसाय में गर्व महसूस करता है और उसके प्रति सम्मान रखता है, उसके प्रति समर्पित होता है, जैसा कि इस कहानी में एक मोची, जर्मन मोची मिस्टर गेस्लर है। तो इस प्रकार के अपने कार्य के प्रति समर्पित व्यक्ति को अपने व्यवसाय में दक्ष, अपने व्यवसाय को सम्मान प्रदर्शित करने वाले मोची को भी हम कलाकार कह सकते हैं, वो भी कलाकार की श्रेणी में आता है। तो ये कहानी है एक जर्मन मोची जिसका नाम मिस्टर गेस्लर है, जो कि लंदन में बसे हुए थे और इस कला के, जूते बनाने की कला के, जो कि उनका पेशेवर कार्य है, उसमें बहुत पारंगत, निपुण, दक्ष थे। तो इस कहानी को समझने के लिए कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी कला के प्रति अपना सब कुछ जो है समर्पित कर दिया था, किस प्रकार से अपनी कला के प्रति वो समर्पित थे, ये कहानी है। और लेखक इसमें कह रहा है कि मैं अपनी युवावस्था से ही उनको जानता था, उन मोची को, मिस्टर गेस्लर को, श्रीमान गेस्लर को जानता था, क्योंकि उन्होंने ही, लेखक कह रहा है कि मेरे पिताजी के बूट बनाए थे और वे लंदन के संभ्रांत इलाके की, संभ्रांत क्षेत्र की एक संकरी गली में अपने बड़े भाई के साथ एक दुकान में रहते थे। ठीक है, ये हमने कल स्टार्ट किया था कि वे लंदन की संभ्रांत क्षेत्र की एक संकरी गली में अपने भाई के साथ, अपने बड़े भाई के साथ दुकान में रहते थे। तो आज हम इस चीज़ को जो है, इस कहानी को और आगे बढ़ाएंगे, देखो आगे क्या होता है और किस प्रकार से वो उनका समर्पण, उसकी विशेषता जो है वो बताते हैं इसमें, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, लिखा है द सो है समथिंग क्वाइट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट शब्द का मतलब होता है विशिष्टता, विशिष्टता। उनकी उस दुकान की एक विशिष्टता थी। देयर वाज नो साइन अपॉन इट ऑफ देम द नेम ऑफ द गेस्लर ब्रदर्स। उसकी विशिष्टता उस दुकान की यह थी कि आम दुकानों के ऊपर बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए होते हैं और भी कई प्रकार के जो है वो दिखावे किए हुए होते हैं, लेकिन इनकी दुकान की विशेषता थी कि उनकी दुकान के आगे गेस्लर ब्रदर्स केवल नाम लिखा हुआ था, उसके अलावा कुछ भी कोई निशान या चिन्ह जो है वो नहीं था। ठीक है, एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, और सामने खिड़की में कुछ जोड़ी जूते रखे हुए थे। He made only what was ordered, और जूते वो वही बनाता था जो उसको आदेश दिया जाता था, जिसका उसको ऑर्डर था, जिसका उसको बनाने के लिए कहा था। बिना फालतू के जूते बना करके वो नहीं रखता था, जैसा उसके पास ऑर्डर आता था उसी नाप के जूते वो तभी बनाता था।
पहले से बना करके जूते वो दुकान में नहीं है। What he made never went to beach. और बहुत वो जूते बनाता था वो जूते कभी भी अनफिट नहीं होते थे, मतलब फिट होते थे, जिस व्यक्ति के लिए बनाए जाते थे उसके वो जूते हमेशा फिट होते थे। टू मेक बूट्स सच बूट एज ही मेड, जूते बनाना और इस प्रकार के जूते बनाना जैसे वो बनाया करता था, सेम्ड टू मी देन एंड स्टिल सेम्स टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल। लेखक कहता है कि जूते बनाना और इस प्रकार के या ऐसे जूते बनाना जैसे वो बनाया करता था मुझे रहस्यमय और आश्चर्यजनक प्रतीत होते थे और प्रतीत होते हैं। सेम टू मी एंड सेम्स टू मी, प्रतीत होते थे और प्रतीत होते हैं, ठीक है। आई रिमेंबर वेल माई साई रिमार्क्स वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथ टू फुट। ये कह रहा है, लेखक कह रहा है कि मेरे संकोच वॉस की हुई टिप्पणी जो मैंने अपने युवा पैरों को उसके सामने फैलाते हुए एक दिन की। लेकर कह रहा है कि जब मैं युवा था, युवा तब में जब मेरे जो पैर थे उन पैरों को उसके सामने फैलाते हुए संकोच बस मैंने एक दिन उससे टिप्पणी की थी, उससे कहा था, वो मुझे अभी भी याद है, आज भी याद है। Isn't it awfully hard मिस्टर केशव, क्या ये कठिन नहीं है, क्या ये कार्य, क्या कौन सा कार्य, जूते बनाना। उसने गेस्टर को पूछा था, संकोच पूछा था कि ये कार्य कठिन नहीं लगता, मतलब कि जूता बनाने का, जूते बनाने का कार्य जो है वो कठिन नहीं है। एंड हिज आंसर, और उसका उत्तर, गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, रेडनेस ऑफ बियर्ड का मतलब दाढ़ी की लाली मां से अचानक मुस्कुराहट के साथ उसने उत्तर दिया। दाढ़ी की लाली मां से अचानक उत्पन्न हुई मुस्कुराहट से उसने उत्तर दिया। उसने कहा, इट इज एन आर, इज का मतलब इट इज एन आर का मतलब आर्ट बना कर बनाया था, ये एक कला है। उसने कहा था कि ये एक कला है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट्स लास्टेड एवरी हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेचर। कहा है, लेखक ने कहा है कि उसके पास में जाना, शीघ्र जाना संभव नहीं होता था। या भी कुछ दिन पहले गए उसके पास और फिर वापस जो है उसकी दुकान पर पहुंच गए, ऐसा संभव नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उसके जूते जो थे वो अस्थाई नहीं होते थे, कुछ समय तक चलने वाले नहीं होते थे। दे लास्टेड टेरिबली, वे बहुत लंबे समय तक चलते थे, उसके बनाए हुए जूते लंबे समय तक चलते थे, इसलिए उसके पास जल्दी जाना संभव नहीं होता था। सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम, और उसकी एक विशेषता, उसका स्थायित्व जो था वो उसकी सिलाई थी, उन जूतों की सिलाई इस प्रकार से की हुई होती थी वो उसको स्थायित्व प्रदान करती थी, जिससे वो लंबे समय तक चलते थे। स्टिच्ड यानी सिलाई की हुई स्टिच्ड। वन बैंक इन नॉट एज इन टू मच, कोई व्यक्ति उसके दुकान के अंदर जाता था तो ऐसे नहीं जाता था जैसे दूसरी दुकान के अंदर मुंह उठा करके जिस प्रकार से चले जाते हैं, उस प्रकार से नहीं जाता था कोई व्यक्ति उसकी दुकान में दूसरी दुकानों के जैसे नहीं जाता था। तो किस प्रकार से जाता था, देखिए, बट रेस्टफुली आराम से, एज वन एंटर्स द चर्च, जिस प्रकार से मंदिर में या चर्च में जिस प्रकार से जाते हैं उस प्रकार से,
आराम से एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर, वहां जाकर के वहां एकमात्र वो लकड़ी की कुर्सी जो होती थी उस पर बैठ जाता था, वेटिंग पर इंतजार करता दुकानदार का। A guttural sound, एक भारी आवाज एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स, और उसके स्लीपर्स की चप्पलों की टिप टैप की आवाज बिटवीन द नैरो वुडन स्टेयर्स, संकरी लकड़ी की सीढ़ियों से टकराती थी, मतलब सीढ़ियों में उसके जूतों की आवाज उत्पन्न होती थी। He would stand before one, और वो उस व्यक्ति के सामने खड़ा हो जाता था विदाउट कोट, बिना कोट पहने हुए, a little bent, थोड़ा झुके हुए, इन अ लेदर एप्रन, चमड़े का एप्रन पहने हुए, विद स्लीव्स टर्नड बैक, और जिसमें आस्तीनें पीछे की ओर मोड़ी हुई, ब्लिंकिंग एज ही ओपन फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ फूड्स, और ऐसे पलके झपकाता था जैसे कि उसने जो है वो जूतों के सपने देखे हो, मतलब वो व्यक्ति गेस्टर जो है वो ऊपर रहते होंगे, वहां से चप्पल बजते थे उसके और भारी आवाज के साथ नीचे आता था, और नीचे आकर के बिना कोट के थोड़ा झुक करके लेदर एप्रन पहने हुए, आस्तीनों को पीछे मोड़े हुए और उस ग्राहक के सामने खड़ा हो जाता था, और ऐसे पलके झपकाता था कि जैसे अभी अभी जूतों का सपना देख करके आया है, मतलब जूते किस प्रकार से बनाया जाए, कैसे जूते, नई डिजाइन के जूते, इस प्रकार के सपने जो है वो देख करके आया हो ऐसे लग रहा था उसको देखने के बाद। तो ये जो है वो अपना आज का जो है वो ये लेक्चर था, जिसमें दो तीन शुरुआत वाले जो पैराग्राफ है वो हमने ट्रांसलेटेड किए, कम से कम पैराग्राफ इसमें हो गए आपके 1, 2, 3, 4 और 5, 5 पैराग्राफ हो गए। पेज नंबर 72 का दूसरा पैराग्राफ तक हमने कर लिया है, इसको एक बार थोड़ा और जो है मैं स्पष्ट कर देता हूँ। परिचय कल करवा दिया था, श्रीमान गेस्लर जर्मनी के रहने वाले, लंदन के सम्भ्रांत इलाके में अपने बड़े भाई के साथ दुकान में ही रहते थे, और उनकी दुकान की विशेषता थी जैसे आमतौर पर दुकानों के ऊपर साइन बोर्ड वगैरह लगे हुए होते हैं, लेकिन उनकी दुकान के आगे गेस्लर ब्रदर्स के अलावा कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, और खिड़की में कुछ जोड़ी जूते जो है वो रखे हुए थे दिखाने के लिए, और वो जूते वही बनाता था जो उसको ऑर्डर दिया जाता था, और जो जूते वो बनाता था वो कभी भी अनफिट नहीं होते थे। और लेखक कह रहा है कि जूते बनाना और ऐसे जूते बनाना जैसे वो बनाता था मुझे रहस्यमय और आश्चर्यचकित करने वाले, अचंभित करने वाले लगते थे और लगते हैं। मेरे द्वारा लेखक कहता है कि एक दिन संकोचवश अपने युवावस्था के पैरों को उसके सामने फैलाते हुए पूछा गया एक प्रश्न या टिप्पणी मुझे अभी भी याद है, जिसमें मैंने पूछा था कि ये कार्य जो है वो ज्यादा कठिन नहीं है श्रीमान गेस्लर, और तभी उनकी दाढ़ी की लालिमा से अचानक मुस्कुराते हुए उन्होंने उत्तर दिया था कि ये एक कला है। और लेखक कह रहा है कि उसके पास में जाना जल्दी नहीं होता था, क्योंकि उसके द्वारा किया हुआ कार्य अस्थायी नहीं होता था, वो स्थायी कार्य होता था और लंबे समय तक जो है वो
उसके जूते जो है वो चलते थे और उसकी जूतों में या जूतों के लगातार जो है वो चलने का कारण जो था वो था उसकी सिलाई। जूतों के ज्यादा टिकाऊ होने का कारण या मुख्य सार एसेंस कह सकते हैं, मुख्य सार जो था वो उसकी सिलाई थी जिससे वो जूते जो है वो स्थायी होते थे। और कोई भी व्यक्ति जब उनकी दुकान में जाता था तो वो आम दुकानों के जैसे दुकान में उसकी दुकान में नहीं जाता था बल्कि आराम से जैसे कि कोई चर्च में जिस प्रकार से प्रवेश करता है। उसके बाद वहाँ जो एकमात्र लकड़ी की जो कुर्सी होती थी उस पर बैठ जाता था और इंतज़ार करता था। तभी वहाँ पर एक भारी भरकम आवाज़ चप्पलों की आवाज़ें जो संकरी लकड़ी की गली को गूंजाती थी, लकड़ी की सीढ़ियों को जो है वो गूंजाती थी, उत्पन्न होती थी। और फिर वह जो है मिस्टर गैसलर जो है वो उस ग्राहक के सामने बिना कोट पहने थोड़ा झुके हुए चमड़े के अपरन में अपने शर्ट की आस्तीनों को पीछे मोड़े हुए और पलकों को इस प्रकार से झपकाते हुए जैसे कि उसने अभी अभी जूतों के या जूतों का कोई भयानक सपने से जागा हो ऐसा लगता था। तो ये आज का अपना जो है वीडियो लेक्चर यहीं हम समाप्त करेंगे। आप जो है जैसा कि आमतौर पर करते आए हैं या तो स्क्रीनशॉट ले लें या किताब है तो फिर जो है वो किताब से ही जो है वो आप इसका ट्रांसलेशन करने का प्रयास करें। आप स्वयं भी जो है प्रयास करें और फिर जो है इसको आप वीडियो लेक्चर को सुने स्पेलिंग साथ में याद करते रहें और इस कहानी को जो है समझने का प्रयास करें। बहुत अच्छी कहानी है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है, आसानी से समझ में आने वाली है। तो प्रयास आप स्वयं भी करें और निमित्ता रखें अपनी स्टडी में, नियमित कार्य करें, अच्छा कार्य करें। इसके साथ ही आज का वीडियो लेक्चर जो है वो अब हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू।